गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे साइंस के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? तो उसका क्या होता है कि दाब बढ़ाने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे 100 डिग्री पे आपका क्या होता है, पानी बॉयल होने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी आपका बॉयल होने लगता है। जब उसको उसमें हम प्रेशर दे देते हैं प्रेशर कुकर के माध्यम से, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका तात्पर्य है कि 100 से बढ़कर लगभग 130 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, इसलिए भोजन आपका जल्दी पक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण होती है या SO2 के कारण होती है, सल्फर डाई ऑक्साइड या SO2। ठीक है, जब ये वाटर से रिएक्शन करती है, H2O से रिएक्शन करती है, तो क्या बनती है, तेजाब H2SO4 बन जाता है। ठीक है, जब सल्फर डाइऑक्साइड जलवाष्प में मौजूद वाटर से रिएक्शन करती है, तब यह H2SO4 यानी कि तेजाब बनाती है। इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा पदार्थ गैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ठीक है, कौन सा पदार्थ महत्वपूर्ण घटक है? तो कौन सा है, मीथेन है। ठीक, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गैल्वनीकरण के दौरान लोहा प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वनीकरण के दौरान लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम से आपका मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होते हैं, क्रायोजेनिक इंजन किस में प्रयोग किए जाते हैं? रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग किया जाता है, रॉकेट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, नहीं तो ये हवा से रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो ब्रोमीन आपका हैलोजन वर्ग का सदस्य होता है, ब्रोमीन आपका हैलोजन वर्ग का सदस्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खून की कमी को कहते हैं, खून की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, खून की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसमें आपको पालक के पत्ते, मेथी, गुड़ आदि खाने को डॉक्टर सलाह देता है, जैसे आयरन, जिसमें आयरन पाया जाता है, आंवला भी खा सकते हैं, जो आयरन के सब महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इसकी वजह से खून की कमी नहीं होती है, आयरन खाएंगे तो खून की कमी नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो मधुमेह इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है, इंसुलिन के लोग लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, मधुमेह कंट्रोल होता है, जिसे डायबिटीज या शुगर जिसे कहते हैं। ठीक है, शुगर इसी से कंट्रोल होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अपघटन में कौन सा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है? तो क्या होता है, जल अपघटन में प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, प्रक्षेप का पथ होता है, तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का जो पथ होता है
वो कैसे होता है, प्रवलाकार होता है इस टाइप का। जब कोई भी चीज़, कोई भी पिंड भेजा जाता है, फेंका जाता है, तो इस तरीके से प्रवलयकार आकार में गिरता हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो भारत में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो कोयला होता है। कोयला भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, कोयले को जला करके हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। तो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है आपका टाइफाइड बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है, टाइफाइड बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी पर तैरती वस्तु का आवासी भार होता है। तो पानी पर तैरती वस्तु का आवासी भार आपका जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है, आवासी भार जीरो होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो आपका ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है और CO2 पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, जबकि रात में इसका उल्टा होता है। ठीक है, मधुमेह रोग प्रभावित करता है, मधुमेह रोग प्रभावित करता है तो किसको प्रभावित करता है? अग्नाशय को मधुमेह रोग प्रभावित करता है। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन है, मशरूम है तो मशरूम एक कवक है, मशरूम एक कवक है। ओके, थैंक यू। तांडव।